दोस्तों, आज हम शाहरुख खान की 2023 में आने वाली मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। शाहरुख खान की 2023 में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शाहरुख खान की कौन कौन सी मूवी आने वाली है। नंबर वन पे है पठान। पठान सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित एक जासूसी एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसकी पटक था श्रीधर राघवन और कहानी आनंद ने लिखी है। और यह मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित की गई है और यह मूवी 25 जनवरी 2023 को भारत में रिलीज होने वाली है। इस मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, 25 जनवरी तक आप इंतज़ार कीजिए। नंबर टू पे शाहरुख खान की है जवान मूवी। जवान एटली द्वारा निर्देशित आगामी हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसमें नयनतारा विजय, सेतुपति और सानिया मल्होत्रा के साथ शाहरुख खान दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। जवान मूवी 2 जून 2023 को रिलीज होगी। इसके अलावा फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा, तो तब तक दोस्तों इंतजार कीजिए। दोस्तों, नंबर थ्री पे शाहरुख खान की मूवी है टंकी। प्रसिद्ध कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। राजकुमार हिरानी ने फिल्म को निर्देशित किया है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में शाहरुख खान और तापसी पन्नू हैं। इसका टीजर ट्रेलर 19 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। टंकी फिल्म 22 दिसंबर 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघर में रिलीज की जाएगी। आपको दोस्तों इनमें से किस मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।